नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन द बेरी स्ट्रीम्स अप टू स्केल फोर्थ। तो बैंक ऑफ इंडिया में कुछ एक ऑफिसर्स की पोस्टें निकली हुई हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको फुल ऑन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वीडियो लीव करने से कुछ एक इन्फॉर्मेशन आप छोड़ देते हो जिससे फिर आप वंचित रह जाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंसर्निंग फॉर्म, तो 16/9 से स्टार्ट होगा। 16 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की दैट इज़ 30 सितंबर तक रहेगी ये। और रेवलेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन, मींस कि जो आपने एज और क्वालिफिकेशन कैलकुलेट करनी है वो 1/9/2020 से करनी है, मींस 1 सितंबर से आप काउंट करोगे, 1 सितंबर तक की काउंट करोगे। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो बाद में कंसर्न बैंक द्वारा बता दी जाएगी। तो अगर हम पोस्टों की बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और इसकी कैटेगरी ब्रेकडाउन, तो फर्स्ट जो वैकेंसी है दैट इज़ इकोनॉमिक्स्ट, तो इसमें 2 पोस्टें हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कैटेगरी वाइज नहीं बताऊँगा, टोटल 2 पोस्टें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एज जो होगी वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 38 होगी इसके लिए। सेकेंड इकोनॉमिक्स्ट ही है और 2 पोस्टें हैं ये, और इसमें भी 20 और 35 एज है। देन टैक्टिशियन, इसमें 2 पोस्टें हैं और एज 20 से 35 है। नेक्स्ट रिस्क मैनेजर, टोटल 3 पोस्टें हैं और एज 20 to 38 है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजर, इसमें 6 पोस्टें हैं, 20 से 35 एज। और नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट एनालिस्ट, इसमें 60 पोस्टें हैं टोटल और इसकी एज भी 20 से 38 रहेगी। क्रेडिट ऑफिसर की 79 पोस्टें हैं, इसकी एज रहेगी 20 से 30 के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं आईटी फिनटेक, तो इसमें 7 पोस्टें हैं जिसमें एज रहेगी 20 से 38। नेक्स्ट आईटी फिनटेक, इसमें 10 पोस्टें हैं और 20 से 35 एज रहेगी। नेक्स्ट फिर आईटी फिनटेक है, इसमें एमएमजीएस सेकंड की ये थी, ये थर्ड की थी और ये फोर्थ की है, तो इसमें 13 पोस्टें हैं और एज 20 से 32 है। नेक्स्ट है आईटी डाटा साइंटिस्ट, इसमें 3 पोस्टें हैं और एज 20 से 38 रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं आईटी डाटा एनालिस्ट, इसमें 3 पोस्टें हैं, एज 20 से 35 रहेगी। नेक्स्ट डाटा एनालिस्ट, इसमें भी 6 पोस्टें हैं और 20 से 32 रहेगी एज। आईटी इंफो सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 2 पोस्टें हैं, 20 से 35 एज रहेगी, 20 से 38 एज रहेगी। नेक्स्ट जो लास्ट की बात करता हूँ टेक अप्रिशियल, इसमें 10 पोस्टें हैं और एज रहेगी 20 से 35। तो अगर हम ऑलमोस्ट ऑल पोस्टों की बात करते हैं तो इसमें 214 पोस्टें हैं और एज की बात करते हैं तो आप एलिजिबल हो 20 से 38 अगर आपकी एज है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें स्केल, आप देख सकते हो यहाँ पे जो इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी की पोस्टें बताई हुई थी, यूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की क्या क्या बेसिक्स हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 1 सितंबर 2020 से मेज़र की जाएगी। तो आप देख सकते हो इन जो नेशनलिटी आपकी वो सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान होना चाहिए और तिब्बतन रिफ्यूजी भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स अप्रेज की। नेक्स्ट सारी ये जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए बताया हुआ है। नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा, रिटर्न रहेगा आपका जो कि 150 मिनट्स का रहेगा
और उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफेशनल नॉलेज, एंड थर्ड जो होगा वो जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो टोटल मार्क्स जो हैं वो आप देख सकते हो 50 का फर्स्ट है, सेकंड पार्ट 75 का है, और थर्ड पार्ट आल्सो 50 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी ये कंडक्ट कर सकते हैं। अभी इसका आपको बाद में डिसाइड करके ये बता देंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि बैंक ऑफ इंडिया में जो पोस्टें निकली हैं उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। तो आप इस पीडीएफ को बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका पता चल सके। थैंक यू।